भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का लीग मैच गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। हालांकि कई फैंस इस मैच को साल 2011 के उस मुकाबले से जोड़ रहे हैं जब भारत ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने हाथ में ली थी। 12 साल पहले इसी मैदान में खिताब जीतकर भारतीयों ने अप्रैल में दिवाली मनाई थी, लेकिन स्टेडियम वही, टीम वही, तारीख वही, बदला है तो साल, महीनों और विपक्षी टीम की स्थिति। आइए जानते हैं आज के मुकाबले से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। भारत का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है? भारतीय खेमा किन खिलाड़ियों को बैठाकर किन खिलाड़ियों को मौका दे सकती है? तो भारतीय टीम एक बार फिर गुरुवार को उसी प्रतिद्वंदी श्रीलंका से विश्व कप का लीग मैच खेलेगी, जिससे विश्व कप 2011 के फाइनल में बराबरी के मुकाबले में जीत दर्ज की थी, इसलिए यह टक्कर शानदार होगी। तीसरे खिताब की ओर अग्रसर भारतीय टीम जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है, तो वहीं श्रीलंका हार दर हार से बेजार है। इसने विरोधी टीमों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है और रोहित शर्मा की टीम का सामना करने के लिए उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। हार्दिक पंड्या की गैर मौजूदगी में मोहम्मद शमी को मौका दिया गया है, जिन्होंने 2 मैचों में 9 विकेट लेकर चयनकर्ताओं के लिए सुखद सिरदर्द पैदा किया है। वहीं कप्तान रोहित और कोच राहुल द्रविड़ को पता है कि शमी को आगे के बड़े मुकाबलों के लिए सुरक्षित रखना होगा। पंड्या की वापसी को लेकर अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन भारत की युवा ब्रिगेड का प्रदर्शन जरूर चिंता का सबब है। लगातार अच्छा प्रदर्शन करके विश्व कप में आए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर अब तक कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं। गिल डेंगू के कारण पहले 2 मैचों में नहीं खेल सके थे और वापसी के बाद भी सिर्फ 1 अर्धशतक जमा सके हैं। इस साल 24 वनडे में 5 शतक और 6 अर्धशतक समेत 1334 रन बना चुके गिल को अपना विकेट फेंकने से बचना होगा। वहीं शॉर्ट गेंद के खिलाफ उनकी कमजोरी जाहिर है, जबकि अय्यर भी गेंदबाजों पर दबाव नहीं बना सकते हैं। अय्यर ने 6 मैचों में सिर्फ 1 अर्धशतक जमाया है। कई मैचों में वह फिनिशर की भूमिका निभाने में नाकाम रहे। वह अपने घरेलू मैदान पर पिछली नाकामियों को भुनाकर बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करेंगे। वहीं बात करें रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और शार्दुल ठाकुर की, तो यह उनका घरेलू मैदान है। इस विश्व कप में 66.33 की औसत से भारत के लिए सर्वाधिक 398 रन बना चुके रोहित अपने बल्ले से रनों की बौछार करके घरेलू दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करना चाहेंगे। वहीं क्वालिफिकेशन के दौर में शानदार प्रदर्शन करने वाली श्रीलंकाई टीम विश्व कप में नाकाम रही। प्रमुख खिलाड़ियों की चोटों और अनुपलब्धता ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया। वहीं श्रीलंका के लिए सदीरा समर विक्रमा ने 6 मैचों में सर्वाधिक 331 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक शामिल है। पाथुम निसांका ने भी इस साल 1000 से अधिक वनडे रन बनाए। विश्व कप में उन्होंने लगातार 4 अर्धशतक जड़े हैं। कप्तान कुशल मेंडेंस और एंजेलो मैथ्यूज के रूप में श्रीलंका के पास मैच विनर खिलाड़ी है। वहीं श्रीलंका के गेंदबाजों ने भी अपना अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अनुभव के अभाव में भारतीय बल्लेबाजों के सामने वह बड़ी चुनौती होंगे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।